दूसरी रीज़न है पेरेंट्स का कंपैरेटिव माइंडसेट पेरेंट्स का क्या टीचर्स का कंपैरेटिव माइंडसेट मैंने देखा है कि क्लासरूम्स के अंदर टीचर्स सर्टनली या ऑबवियसली एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करते हैं कि भाई देखो वो नबीला ने ए प्लस ग्रेड लिया है और जमीला ने तो बी ग्रेड लिया बहुत है हमारी चलिए खैर वो फेवरेटिज्म तो है ही ना उसको तो हम डिस्कस नहीं करते लेकिन इस इस आ, 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 स्ट्रेस के पीछे बहुत बड़ी रीजन टीचर्स का पेरेंट्स का बिहेवियर है बिल्कुल घरों के अंदर सिबलिंग्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है कि बड़े भाई ने ए प्लस ग्रेड लिया है भाई तुम तो बी भी, भी नहीं ले सके या फ्ला कजन ने वो फुफ के बेटे ने तो माशाल्लाह आई मीन आए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो जमीला तुम तो आई मीन बी ग्रेड भी नहीं ले सकी तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाओगी तो वो तुम्हारा रिश्ता कैसे उसके साथ तो ये जो पेरेंट्स कंपेरेटिव माइंड सेट के साथ जब बच्चे को प्रेशराइज करते हैं तो यकीन मानें कि ये चीज़ बच्चों को बच्चों के अंदर डिप्रेशन पैदा करने का exactly. बायस बनती है तो मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप बच्चे की यूनिकनेस को समझें और आपको क्यों नहीं समझ आती कि जो मार्क्स हैं ग्रेड्स हैं ये आपके बच्चे की काबिलियत का वो वाद टेस्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि मेरा बच्चा काबिल है लायक है फाइक है ये ये मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया का कोई एजुकेशन सिस्टम दुनिया का कोई इदारा अगर आपके बच्चे को फेल कर रहा है तो वो एजुकेशन सिस्टम फेल है वो इदारा फेल है क्योंकि दुनिया का कोई रिपोर्ट कार्ड आपके बच्चे की काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकता उसकी ये बातें मैं कोई आई मीन I mean, ऐसे नहीं कर रहा कि जी कोई बुकिश अप्रोच के साथ बात कर रहा करूँ ये सारी की सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस सारे के सारे, सारे सिस्टम को ना सिर्फ समझा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बल्कि उसके साथ साथ दुनिया में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, मैंने उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है